नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ आज राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक नए अंदाज में नजर आए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव आज पटना की सड़कों पर अपनी जीप चलाते हुए नजर आए और यही वजह है कि राजद में इस दिन को जो है काफी खास तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आज राजद में जहां एक तरफ कार्यालय में लालू प्रसाद यादव ने लालटेन का लोकार्पण किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अलग तेवर और अंदाज में लालू प्रसाद यादव को देखा गया जब वो पटना की सड़कों पर जीप चलाते हुए नजर आए। लेकिन इस सबके बीच अब एक नई जो ट्विस्ट है वो भी इस खबर में आ चुकी है। जहां आपको बता दें कि अब लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होने लगे हैं। बता दें कि लोगों ने एक के बाद एक कमेंट्स करते हुए लालू प्रसाद यादव की खिंचाई की है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आपने अपने जीप में जो ग्रास के जो मैट्रिक्स भिजवाए हुए हैं उसे देखकर आपको अपने चारा घोटाले की याद तो जरूर आई होगी। तो लगातार एक के बाद एक कमेंट करते हुए लोगों ने लालू प्रसाद यादव को ट्रोल कर दिया और उनकी खिंचाई कर दी। बता दें कि मनीष ने अपने इस कमेंट में लिखा है, चारा चोरी के पैसे की है या और पहले जो चोरों की है उसकी कमाई की है, या किसी से छुराई है, या किसी अफसर के ट्रांसफर के बदले रिश्वत में ली है। तो वहीं सौरभ कुमार ने लिखा है, वो चारा चोरी और ढेर सारे घोटालों का रुपया वापस कर देते तो अच्छा रहता लालू जी, बिहार आपके ऊपर थोड़ा एहसान कर देता। तो वहीं मनीष ने लिखा है कि चारा चोरी के पैसे की ये जो आपने कमाई की है उसे या फिर किसी अफसर के ट्रांसफर के बदले रिश्वत ली है। वहीं जो एक और ट्विटर यूजर है उन्होंने लिखा है कि चारा चोर इस जीप के खरीदारी के पेपर सार्वजनिक कर लालू प्रसाद यादव सरकारी लुट के पैसे से खरीदी गई जीप है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जरा जानकारी करे सारे पेपर्स की, माननीय मंत्री नीतीश कुमार। तो ये जो हमला है वो एक के बाद एक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं राम सिंह ने लिखा है, देश में चारा घोटाले की सजा पाए हुए इस आदमी ने बीमारी के नाम पर जमानत लिया और बाहर आकर कभी प्रचार और कभी जुलूस निकाल रहा है, कभी गाड़ी चल रहा है। हमारे देश कानून ही इतना कमजोर है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, ऐसे किया जाता है कानून से खिलवाड़। तो वहीं एक और ट्विटर यूजर जिनका नाम मुकेश है उन्होंने लिखा है कि गाड़ी में वो घास की मैट लगाई है उसको देखकर चारा याद आता है, चारा मीन्स चारा घोटाला। तो एक के बाद एक जो कमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं और खूब सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव की खिंचाई हो रही है। तो जहां एक तरफ आज राजद के लिए जश्न का दिन था, राजद कार्यालय में लालटेन का लोकार्पण किया गया, खुद लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ये जो कार्यक्रम है वो किया गया। इतना ही नहीं, आज एक अलग अंदाज में लालू प्रसाद यादव को देखा गया जब वो अपनी पहली जीप निकालकर जो है पटना की सड़कों पर चलाते हुए नजर आए। लेकिन इस सबके बीच सोशल मीडिया पर जमकर लालू प्रसाद यादव ट्रोल हो चुके हैं और एक के बाद एक ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बता दें कि लोगों ने तो ये तक कह दिया कि आप अपने इस गाड़ी के पेपर्स दिखाइए, क्या इस तरह से कानून का और अपने बीमारी के नाम पर आपने जो जमानत ली है उसका आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, आपने बीमारी का हवाला देते हुए जो है जमानत पाई और अब आप कभी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं तो भी इस तरह से गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं, तो आखिर ये झूठ आपने क्यों बोला। तो ये जो सोशल मीडिया है उस पर अब लालू प्रसाद यादव जमकर ट्रोल हो रहे हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक ऐसे ही कमेंट्स जो है वो लालू प्रसाद यादव के पोस्ट पर देखा जा रहा है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।